हेलो, तुम्हें हूँ तुहिन और आप देख रहे हैं हाईटेक ब्रो। आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ 5 सबसे अच्छा लैपटॉप 1 लाख रुपये के अंदर। अगर आप एक नया लैपटॉप लेने का सोच रहे हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि मैं आपको बता दूंगा कौन सा लैपटॉप आपके लिए बेस्ट होने वाला है 1 लाख रुपये के अंदर। तो इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो लैपटॉप हमारे लिस्ट में है वो लेनोवो की तरफ से है। उसका नाम है लेनोवो लीजन 5 प्रो। आपको ऐसा मिलता है AMD Ryzen 7 का प्रोसेसर, जिसमें आपको अप टू 4.4 GHz का स्पीड, 8 कोर और 16 थ्रेड मिलता है। उसके साथ ये लैपटॉप आता है NVIDIA का RTX 3060 का 6GB का ग्राफिक्स कार्ड के साथ। अब डिस्प्ले के बारे में बात करें तो आपको ऐसा मिलता है 16 इंच का QHD डिस्प्ले, जिसमें आपको डॉल्बी विजन से लेके 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 500 निट का ब्राइटनेस और 100% sRGB मिलता है। अब रैम और स्टोरेज के बारे में बात करें तो आपको ऐसा मिलता है 16GB का DDR4 का रैम, जो कि 3200 MHz का है और 1TB का SSD। और आपको इसके कीबोर्ड में 4 ZR मिलता है। अब कनेक्टिविटी के बारे में बात करें तो आपको ऐसा मिल जाएगा 2 USB Type-C, 4 USB Type-A और 1 HDMI पोर्ट, उसके साथ ब्लूटूथ 5.1 और बिल्ट इन वाईफाई। अब बैटरी के बारे में बात करें तो आपको ऐसा मिलता है 48 Wh का बैटरी। अब प्राइस के बारे में बात करें तो आपको ये लैपटॉप मिल जाएगा 1 लाख के करीब और ये आता है 3 साल के वारंटी के साथ। अगर आप लेनोवो का ये लैपटॉप खरीदना चाहते हैं और हमारे लिस्ट में दिखाए गए किसी भी और लैपटॉप के बारे में चेक करना चाहते हैं और खरीदना चाहते हैं, तो उन सब का बेस्ट बाय लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ पर जाके किसी भी लैपटॉप को चेक कर सकते हैं और खरीद सकते हैं। अब इसके बाद जो लैपटॉप है वो डेल की तरफ से है। उसका नाम है डेल G15। आपको ऐसा मिलता है Ryzen 7 का प्रोसेसर, जो कि आता है 4.7 GHz का मैक्स स्पीड, 8 कोर और 16 थ्रेड के साथ। उसके साथ NVIDIA का RTX 3070 Ti का 8GB का ग्राफिक्स कार्ड भी है। और ये लैपटॉप आता है 15.6 इंच का फुल HD डिस्प्ले के साथ, जिसमें आपको 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और 300 निट का ब्राइटनेस मिल जाएगा। अब रैम और स्टोरेज के बारे में बात करें तो आपको ऐसा मिलता है 16GB का DDR5 का रैम, जो कि 4800 MHz का है और 1TB का SSD। अब कनेक्टिविटी के बारे में बात करें तो आपको ऐसा मिलता है 1 HDMI पोर्ट, 3 USB Type-A और 1 USB Type-C, उसके साथ बिल्ट इन वाईफाई 6 और ब्लूटूथ 5.2। और इस लैपटॉप में आपको 86 Wh का बैटरी भी मिल जाएगा। अब प्राइस के बारे में बात करें तो डेल का ये लैपटॉप आपको 1 लाख रुपये के करीब मिल जाएगा और ये आता है 1 साल के वारंटी के साथ। अब इसके बाद जो लैपटॉप है वो MSI की तरफ से है। उसका नाम है MSI SOT 15। आपको ऐसा मिलता है 12th जनरेशन का इंटेल कोर i7 का प्रोसेसर, जिसमें आपको मिलता है 4.7 GHz का मैक्स स्पीड, 10 कोर और 16 थ्रेड। उसके साथ NVIDIA का RTX 4060 का 8GB का ग्राफिक्स कार्ड भी है। और ये लैपटॉप आता है 40 सेमी का फुल HD डिस्प्ले के साथ, जो कि 144 हर्ज का रिफ्रेश रेट के साथ आता है। अब रैम और स्टोरेज के बारे में बात करें तो आपको ऐसा मिलता है 16GB का DDR5 का रैम और 1TB का NVMe SSD। अब कनेक्टिविटी के बारे में बात करें तो आपको ऐसा मिलता है 1 USB Type-C, 2 USB 3.2, 1 USB 2.0 और 1 HDMI पोर्ट, उसके साथ Wi-Fi 6 और ब्लूटूथ 5.2। और लैपटॉप आता है 53.5 Wh का बैटरी के साथ। अब प्राइस के बारे में बात करें तो MSI का ये लैपटॉप आपको मिल जाएगा 1 लाख रुपये के करीब और ये आता है 2 साल के वारंटी के साथ। अब इसके बाद जो लैपटॉप है वो ASUS की तरफ से है। उसका नाम है ASUS TUF Gaming F15। आपको इसमें मिलता है 12th जनरेशन का इंटेल कोर i7 का प्रोसेसर, जिसमें आपको 4.7 GHz का मैक्स स्पीड, 14 कोर और 20 थ्रेड मिलता है। उसके साथ NVIDIA का RTX 4060 का 8GB का ग्राफिक्स कार्ड भी है। और लैपटॉप आता है 15.6 इंच का फुल HD डिस्प्ले के साथ, जिसमें आपको 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और 250 निट का ब्राइटनेस मिलता है। अब रैम और स्टोरेज के बारे में बात करें तो आपको ऐसा मिलता है 16GB का DDR4 का रैम, जो कि 3200 MHz का है और 512GB का NVMe SSD। अब कनेक्टिविटी के बारे में बात करें तो आपको ऐसा मिलता है 1 Thunderbolt 4, 1 USB Type-C और 2 USB Type-A, उसके साथ ब्लूटूथ 5.2 और वाईफाई 6। और ये लैपटॉप आता है 90 Wh का बैटरी के साथ। अब प्राइस के बारे में बात करें तो ASUS का ये लैपटॉप आपको मिल जाएगा 1 लाख रुपये के करीब और ये आता है 1 साल के वारंटी के साथ। अब सबसे आखिर में जो लैपटॉप हमारे लिस्ट में है वो HP की तरफ से है। उसका नाम है HP Omen 60।
आपको ऐसा मिलता है AMD का Ryzen 7 का प्रोसेसर, जो कि आता है 4.7 GHz का मैक्स स्पीड, 8 कोर 16 थ्रेड के साथ। उसके साथ NVIDIA का RTX 3070 Ti का 8GB का ग्राफिक्स कार्ड भी है। और इस लैपटॉप में आपको 16.1 इंच का QHD डिस्प्ले भी मिलता है, जो कि आता है 165Hz का रिफ्रेश रेट, 300 निट का ब्राइटनेस और 100% sRGB के साथ। अब रैम और स्टोरेज के बारे में बात करें तो आपको ऐसा मिलता है 16GB का DDR5 का रैम, जो कि 4800MHz का है, और 1TB का NVMe SSD। और आपको इस लैपटॉप के कीबोर्ड में 4 जोन RGB लाइट मिलता है। अब कनेक्टिविटी के बारे में बात करें तो आपको ऐसा मिल जाएगा बिल्ट इन Wi-Fi 6E, ब्लूटूथ 5.3, 2 USB Type-C, 3 USB Type-A और 1 HDMI पोर्ट। और ये लैपटॉप आता है 83 Wh का बैटरी के साथ, जो कि आपको 8 घंटे का प्लेबैक दे सकता है। अब प्राइस के बारे में बात करें तो HP का ये लैपटॉप आपको मिल जाएगा 1,00,000 रुपये के करीब, और ये आता है 1 साल के वारंटी के साथ। अब सबसे आखिर में बात करें कौन सा लैपटॉप आपको लेना चाहिए। अगर आप 1,00,000 रुपये के अंदर सबसे अच्छा लैपटॉप लेना चाहते हैं, जिससे कि आप बहुत ही अच्छा गेमिंग से लेके वीडियो एडिटिंग भी कर सके, तो आपको लेना चाहिए HP का लैपटॉप, क्योंकि आपको इसमें AMD का पावरफुल प्रोसेसर मिलता है। उसके साथ RTX 3070 Ti का ग्राफिक्स कार्ड भी है, जिससे कि आप सारे नए गेम खेल सकते हैं, वो भी अच्छे सेटिंग में। और लैपटॉप आता है QHD डिस्प्ले के साथ, तो आपको अच्छा डिस्प्ले क्वालिटी भी मिल जाएगा। उसके साथ 100% sRGB भी है, तो आप इस लैपटॉप से फोटो एडिटिंग से लेके वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हैं। आपको बहुत ही एक्यूरेट कलर मिल जाएगा। तो अगर आप 1,00,000 रुपये के अंदर सबसे अच्छा लैपटॉप लेना चाहते हैं गेमिंग से लेके फोटो और वीडियो एडिटिंग के लिए, तो आपको लेना चाहिए HP का ओमेन 60। लेकिन अगर आप एक इंटेल का लैपटॉप लेना चाहते हैं, तो आपके पास सबसे अच्छा ऑप्शन है ASUS का लैपटॉप। आपको ऐसा मिलता है इंटेल कोर i7 का प्रोसेसर, जो कि काफ़ी पावरफुल है। उसके साथ RTX 4060 का ग्राफिक्स कार्ड भी है, जिससे कि आप नए सारे गेम खेल सकते हैं अच्छे सेटिंग पर। लेकिन आपको इसमें बस 512GB का SSD मिल जाएगा, तो स्टोरेज थोड़ा सा कम है इसमें। लेकिन आपको एक पावरफुल लैपटॉप मिल रहा है, जिससे कि आप गेमिंग से लेके वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हैं। तो अगर आपको 1,00,000 रुपये के अंदर सबसे अच्छा इंटेल का लैपटॉप चाहिए, तो आपको लेना चाहिए ASUS का टफ गेमिंग F15। इन सारे लैपटॉप्स का प्राइस थोड़ा सा अप डाउन होते रहता है, तो आप खरीदने से पहले इन सब का प्राइस जरूर चेक कर लेना। तो यही था आज का 5 सबसे अच्छा लैपटॉप 1,00,000 रुपये के अंदर। आपको इन सारे लैपटॉप्स का बेस्ट बाय लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और अगर आपका बजट कम है, आप 70,000 रुपये के अंदर सबसे अच्छा लैपटॉप लेना चाहते हैं, तो उस वीडियो का भी लिंक आपको मिल जाएगा आई बटन में, आप वहाँ पे जाके वो भी देख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप इन सारे लैपटॉप्स के बारे में कुछ भी और जानना चाहते हैं, तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप सबसे फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।